Hi, good evening guys. This is Lakshman, my roommates. And तो कैसे हैं आप लोग? एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है. अभी इवनिंग है, मैं थोड़ा सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया और अभी शुरू कर रहा हूँ. सो के उठा, जा रहा हूँ, थोड़ा काम है यार. आगे चाय नहीं पीऊँगा आज. लक्ष्मण ने पीजी में कुछ बनाया था, मिल्क को बॉईल करके वो पी लिया, तो अभी क्या गर्म था ना, तो गर्म था ना, अभी चाय पीने को मन नहीं है. तो जा रहे हैं थोड़ा फास्ट ट्रैक के शोरूम पे. पर एक्चुअल में पुराना घड़ी है, उसका कुछ बेल्ट थोड़ा सा टूट गया है, उसको रिप्लेस करवा लेंगे. बेल्ट होगा तो उसको रिप्लेस कर लूँगा. चल के जा रहा हूँ मैं. सैटरडे इवनिंग सब लोग जा रहे हैं अपना अपना काम, तो ज़्यादा लोगों का तो ऑफिस नहीं होगा. जिन जिन लोगों का है उन लोगों ने जा रहे हैं वापस घर. छुट्टी का टाइम है ना, तो ये हमारा घड़ी का सब टाइटन दिखा रहे हैं. वहाँ पे फास्ट ट्रैक भी है. वहाँ पे वॉचेस का बेल्ट जो है एग्जैक्ट वाला मिला नहीं, मिला जो सेम नहीं था. ऊपर तो ठीक था लेकिन नीचे में रेड कलर का था. मेरा ना ब्राउन है, एग्जैक्ट वाला मिला नहीं तो मैं लाया नहीं. जब मारा था ले जाऊँगा तो वहाँ पे एक बार चेक कर लूँगा. वहाँ पे भी फास्ट ट्रैक है तो इसीलिए मैं लाया. तो उसके बाद तो और थोड़ा काम था, वहाँ पे गया था. अभी कुछ खा लेंगे, भूख लग रहा है, खा के फिर रूम पे जाएंगे. कुछ मैंगो लेके जाते हैं यार. मैंगो थोड़ा ले लेंगे, इस साल का पहला मैंगो ले लिया. मैंगो खूब मीठा लगे, पहला इस ईयर का पहला है. मैं मैंगो शेक भी नहीं पिया मैंगो खाने के लिए, पता है, तो ले लिया. अभी तो अभी बज रहा है रात के 12:30 और हम लोग सोए नहीं थे. ये लक्ष्मण है, देख सकते हैं, हम लोग सोए नहीं थे. और मोमोस बोल रहा हूँ, रामेश्वरम कैफे फॉर डोसा. रामेश्वरम कैफे ओपन रहता है लाइक 1:30 तक शायद ओपन रहेगा. अभी 12:30 बजे, और 1 घंटा है उनका. तो जाएंगे डोसा खाने के लिए. अगर आप बेंगलोर में रहते तो ये फ़ायदा है, आपको 12:30 या 1 बजे भूख लगता है तो आप जाके खाना खा सकते हैं. तो जाएंगे, ज़्यादा भूख नहीं है, ऐसे ही मतलब भूख नहीं है, थोड़ा क्या बोलते हैं हाइप पे जाके डोसा खाना. तो चलते हैं.
रात को 1 o'clock होगा शायद अभी, और आप भीड़ देख सकते हैं। और एक बजे इतना भीड़ है डोसा खाने के लिए देख सकते हैं। वीकेंड है बट फिर भी रात को 1 बजे इतना लोग डोसा खाने के लिए हमें मुझे लाइन लगाना पड़ा भीड़ के लिए। ठीक है, तो मुझे भीड़ जाएगा अभी, जाते हैं अभी काउंटर पर देने के लिए।